कि एक नौजवान था वो उस्ताद के पास पढ़ने गया था, वो बादशाह ज़ादा। तो उस्ताद ने जब ये हदीस सुनाई ना कि मन समेत नजा, जो खामोश हो गया वो नजात पा गया, तो शहजादा खामोश हो गया। अब बादशाह को फिक्र लाहक होगी कि बेटा बोलता नहीं, क्या मसला हुआ। बोका माँ को बुलाया, किसी ने कहा इसको जो है वो ये दिया जाए, किसी को कहा ये दिया जाए, किसी ने कहा ये दिया जाए, एक हकीम ने कहा इसको सैर को भेजा जाए। तो खादम रोजाना सैर के लिए लेकर के उसको जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि एक दरख्त है जिसकी घनी शाखों में जानवर बैठे हैं। एक शिकारी तीर कमान लेकर के गुजर रहा था। उसने गौर से शाखों को देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, गुजर गया। अभी गुजरा ही था कि बैठी हुई फाख्ता बोल पड़ी, तो वो फिर पीछे पलटा और गौर से देखा और ताक के तीर मारा, फड़फड़ाती हुई फाख्ता नीचे आ गई। तो इसकी जुबान से बेसाख्ता निकला, सदकता या रसूल अल्लाह, ऐ प्यारे रसूल आपने सच कहा है, ना बोलती तो ना मारी जाती, खामोशी में न जाते। बादशाह रोज रिपोर्ट लिया करता था कि बेटे ने कुछ बात तो नहीं की। आज बताया खादिम ने कि यूं यूं माजरा हुआ है। बादशाह समझ गया कि ये तो कसदन खामोश हुआ हुआ है। तो उसने जल्लाद को बुलाया, कहा जरा इसको आज उल्टा लटकाओ ना। तो जल्लाद ने उल्टा लटका के जब उसको कोड़ा मारा ना, तो फिर चीखा, कहा सदकता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आपने सच कहा, फाख्ता बोली वो मारी गई, मैं बोला मैं मारा गई। खामोशी इख्तियार करेंगे, जहां बहुत जरूरी हो वहां बोलेंगे, जुबान की आफतों से बच जाएंगे तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। इसकी आफात सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा गुनाह जुबान की वजह से। तो फरमाया जो खामोश हो गया वो नजात पा गया, क्योंकि ये बोलती है तो झूठ बोलती है, ये बोलती है तो शिकवे का लहजा इख्तियार करती है, बोहतान लगाती है, गीबत करती है, चुगली करती है, दो अफराद को तकसीम करने का जरिया बनती है, लोगों के दिल दुखाती है, अजियत पहुंचाती है, गाली सबो शतम, ये इसका मिजाज बन जाता है। तो इसलिए जुबान से जब बोलें तो खूबसूरत बात बोलें, या फिर खामोश रहें, तो खामोशी नजात देती है। जो खामोश रहा वो नजात पा गया।